दोस्तों, क्या आपने अंतरिक्ष में तैरते भूत प्रेत या आत्माओं के बारे में सुना है? वो भूत प्रेत जो एक विशाल स्पेस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में जा रहे हो और वहां आपको चारों ओर स्केलेटन्स दिखाई देता है। कितना डरावना है ना, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आज रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में फंसा हुआ है, लेकिन एक समय पर रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने अंतरिक्ष में यूएफओस को उड़ता और एक्सप्लोड होता हुआ देखने का दावा किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेस में देखी गई ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें सुनकर आपके दिमाग को 440 वोल्ट का झटका लग जाने वाला है। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारा देश भारत साल 2023 में अपना पहला क्रूड स्पेस मिशन गगनयान भेजने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश चाइना ने ये कारनामा साल 2003 में ही कर दिया था। इस साल चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि CNSA ने स्पेस में शेंजू 5 स्पेसक्राफ्ट को भेजा था और यांग लीवेई इस मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉट बने थे। यांग लीवेई ने दावा किया था कि स्पेसशिप में रहते समय उन्होंने कुछ नॉकिंग साउंड सुने थे। कुछ समय के लिए उन्हें ऐसा लगा मानो कोई चीज स्पेसक्राफ्ट को बाहर से ठोक रही हो। यह साउंड वैसा ही था जैसा कोई आयरन की बाल्टी पर लकड़ी के हैमर से हिट कर रहा हो। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये साउंड कहां से आ रहा है और इसका कारण क्या है। यांग लीवेई इससे घबरा गए और उन्होंने धरती पर लौटने के बाद मिशन से जुड़े साइंटिस्ट्स को इसके बारे में बताया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन नॉकिंग साउंड्स की मिस्ट्री को नहीं सुलझाया जा सका। अब दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात तो यह है कि स्पेस में वैक्यूम होता है और साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। सही कहा ना? तो फिर यांग लीवेई को यह साउंड कैसे सुनाई दे रहा था? एयर पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर मेटल, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो जरूर चाहिए ही होता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी मीडियम नहीं था। अब चलिए मान लेते हैं कि स्पेस कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता है और वहाँ पर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन अगर इनके थ्रू साउंड प्रोपगेट हुए होते तो वो यांग लीवेई के कानों तक कभी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है और वो ये कि कोई बड़ी सी चीज फिजिकली आकर उससे टकराई हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो स्पेसक्राफ्ट को नुकसान भी जरूर पहुंचा होता, राइट? पर स्पेसशिप में तो कोई भी डैमेज नहीं था। BBC में पब्लिश्ड एक आर्टिकल के अनुसार यांग लीवेई के कलीग वी सांग सो ने इस नॉकिंग साउंड को लेकर एक एक्सप्लेनेशन दिया था, जिसके अनुसार ये आवाजें स्पेसशिप के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का नतीजा भी हो सकता है। पहले ऐसा इसीलिए क्योंकि धरती की ऑर्बिट में ही स्पेसशिप का एक्सटीरियर का टेम्परेचर कई बार बदलता रहता है। हालांकि इस थियरी का कोई भी क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि यांग लीवेई इन साउंड्स को सुनने वाले एकमात्र एस्ट्रोनॉट नहीं थे। साल 2003 से 2008 के बीच चाइनीज स्पेस प्रोग्राम के तहत स्पेस में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेसक्राफ्ट के अंदर नॉकिंग साउंड सुनने के दावे किए थे। हालांकि दूसरी स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स ने आज तक ऐसा कोई भी दावा नहीं किया है। तो क्या ये स्पेस में तैरने वाले भूत प्रेत तो नहीं थे? अरे नहीं भाई, हमारी धरती के ऑर्बिट में कोई भी घोष्ट नहीं है शायद, लेकिन धरती से 1470 लाइट ईयर्स दूर सेफियस कॉन्स्टिलेशन में स्थित SH2136 घोष्ट नेपुला में हमें कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ये नेपुला करीब 2 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसके बीच बीच में कुछ चमकदार तारे हैं जिनसे निकलने वाली रेडिएशन जब हाइड्रोजन गैस से मिलती है तो ये उस जगह पर अलग अलग शेप्स और वैरायटी के क्लाउड्स का फॉर्मेशन करती है। इन स्ट्रेंज शेप्स के क्लाउड्स को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे घोष्ट इंटरस्टेलर क्लाउड से अपना पीछा छुड़ाते हुए इधर उधर भाग रहे हो। अब दोस्तों, जरा इस पर भी नजर डालिए। अगर वो घोष्ट नेबुला था तो इसका नाम है विच हेड नेबुला। धरती से करीब 900 लाइट ईयर्स दूर ओरायन कॉन्स्टिलेशन में स्थित IC2118 नेबुला बिल्कुल एक जादूगरनी के सर के जैसा लगता है और इसीलिए इसका नाम विच हेड नेबुला रखा गया है। ये नेबुला ओरायन कॉन्स्टिलेशन में स्थित सुपर जायंट स्टार रिजल की ब्राइटनेस के कारण इतना चमकदार दिखाई देता है। अब जरा नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा रिलीज की गई इन इमेजेस को देखिए। इस नेबुला के इस ब्लू कलर का कारण रिजल स्टार की ब्राइटनेस मात्र नहीं है, बल्कि इस नेबुला में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स रेड कलर के कंपैरिजन में ब्लू कलर को बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट करते हैं। 70 लाइट ईयर्स में फैले इस नेबुला को आप सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप्स की मदद से ही देख सकते हैं। अब दोस्तों, साल 1961 में सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे, लेकिन इंसानों को स्पेस का सफर कराने के लिए ना जाने कितने ही जानवरों ने अपनी कुर्बानी दी थी।
साल 1948 में अल्बर्ट वन नाम के रेसुस मंकी ने अपनी जान गंवाई थी। तो लाइका की कहानी तो आप सभी जानते ही होंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम इंसानों ने समय समय पर जानवरों को मोहरा बनाया है और कई प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिनको चोरी छिपे अंजाम दिया गया था, जिससे कि दुनिया में इनमें होने वाली जानवरों की डेथ्स का पता ना चल पाए। स्पेस में जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स आज भी ये दावा करते हैं कि जब भी वो धरती की ऑर्बिट से गुजरते हैं तो उन्हें अक्सर वहां पर धरती को ऑर्बिट करते एनिमल कॉर्पसेस यानी कि जानवरों की लाशें दिखाई देती है। नाउ जस्ट इमेजिन कि अंतरिक्ष के काले बैकग्राउंड में अगर आपके सामने से ये जानवर की लाशें निकलते हैं तो ये नजारा कितना वियर्ड और डरावना होता होगा। दोस्तों 5 मई 1981 को जब सोवियत यूनियन का सैल्यूट 6 स्पेस स्टेशन धरती को ऑर्बिट कर रहा था तो उसके अंदर बैठे एक कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोवालियोनोव ने स्पेस में एक अजीब सा ऑब्जेक्ट देखा। उनके अनुसार वो ऑब्जेक्ट मेलन की तरह गोल था और उसके आगे की ओर सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट काफी एलोंगेटेड था और हम इसका शेप बारबेल की तरह कह सकते हैं। वो कहते हैं कि जब वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो वो अचानक से ट्रांसपेरेंट हो गया और उसके अंदर कोई बैठा हुआ भी प्रतीत हो रहा था। उस ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड से गैस निकल रही थी जैसे कि किसी रॉकेट से निकलती है। उनकी आंखों के सामने देखते ही देखते उस ऑब्जेक्ट में एक के बाद एक दो एक्सप्लोजन होते हैं। थोड़ा व्हाइट स्मोक दिखाई देता है और वो ऑब्जेक्ट बर्बाद हो जाता है। व्लादिमीर कोवालियोनोव के मुताबिक जिस समय उन्होंने ये ऑब्जेक्ट देखा था तब वो साउथ अफ्रीका के ऊपर ऑर्बिट कर रहे थे। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर वो ऑब्जेक्ट था तो था क्या? वेल, इसके बारे में कुछ भी क्लियरली कह पाना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये साउथ अफ्रीका के RSA-3 रॉकेट का कोई सीक्रेट टेस्ट होगा, लेकिन उस समय RSA-3 रॉकेट की कैपेबिलिटीज उतनी थी ही नहीं कि वो धरती की ऑर्बिट तक पहुंच सके। इस इंसिडेंट के लिए इसराइल के किसी बॉम्ब टेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के किसी न्यूक्लियर पावर इक्विप्ड सैटेलाइट्स को जिम्मेदार माना जाता है, जिसका टेस्ट सीक्रेटली किया गया होगा। हालांकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस पर बिलीव करने वाले लोग मानते हैं कि उस दिन व्लादिमीर कोवालियोनोव ने जो कुछ भी देखा था वो और कुछ नहीं बल्कि एक UFO का एक्सप्लोजन था। अब दोस्तों जरा ये देखिए, ये वीडियो साल 1991 में मूसा मानारोव नाम के रशियन कॉस्मोनॉट ने सोवियत यूनियन के MIR स्पेस स्टेशन से बनाया था। उस दिन MIR स्पेस स्टेशन पर धरती से एक स्पेस कैप्सूल भेजा गया था और मूसा मानारोव उसी स्पेस कैप्सूल की वीडियो बना रहे थे। स्पेस कैप्सूल स्पेस स्टेशन पर डॉक होता है और वो उसका वीडियो बनाना जारी रखते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूसरी ओर कोई और ऑब्जेक्ट दिखता है। ऐसा लगा मानो वो ऑब्जेक्ट स्पेसक्राफ्ट से बाहर की ओर निकल रहा है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वीडियो में आप ये साफ साफ देख सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है मानो उसके पीछे फ्लेम भी जल रही हो। पर आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या है? इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। अब कुछ लोग मानते हैं कि शायद ये कोई एस्ट्रॉइड हो, पर आप खुद ही सोचिए कि अगर मीर स्पेस स्टेशन के इतने करीब से कोई एस्ट्रॉइड निकलने वाला होता तो वैज्ञानिकों के पास इसका फोरकास्ट तो पहले से ही मौजूद होता है कि नहीं? तो क्या ये एक UFO था? वेल, ये तो अब हमेशा के लिए रहस्य ही रहने वाला है। दोस्तों अब आखिर में मैं आपको स्पेस में देखे गए स्ट्रेंज लाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ। साल 2005 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर लेरोय शियाओ जब धरती से करीब 370 किलोमीटर से ऊपर 27,000 किलोमीटर पर आर के स्पीड से ट्रैवल करते हुए स्पेस वॉक कर रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक डरा कर रख दिया। लेरोय शियाओ ने अपने पास से कुछ स्ट्रेंज लाइट्स को गुजरते हुए देखा जो वी शेप की फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। वो लाइट्स अचानक से उनके सामने आई और उनके पास से गुजरते हुए पीछे की ओर निकल गई और फिर देखते ही देखते कहीं गायब हो गई। जब शियाओ से एक इंटरव्यू के दौरान इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इन लाइट्स के ओरिजिन के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है। वो सिर्फ एक बात जानते हैं और वो ये कि वो स्ट्रेंज लाइट्स वहां पर नहीं होनी चाहिए थी। शियाओ का ये भी कहना था कि वो इनके पीछे एलियंस का हाथ होने से भी इनकार नहीं करते हैं और वो पर्सनली भी एलियंस पर पूरा विश्वास करते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डरावनी और स्ट्रेंज लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो चैनल पर और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।